आपने समिति दीदी को देखा कहीं? जी उन्हें तो राजबाबू कहीं लेके गए हैं। लेकिन कहाँ? जी वो तो कुछ पता नहीं, पर हाँ वो कुछ अड्डा अड्डा बोल रहे थे। रमन, रमन कहाँ है? शादी, हम शादी के लिए लेट हो रहे, रमन को बुलाओ। अब सिमरन दीदी को सब याद आ जाएगा, कैसे तूने रमन वीर जी को मारा और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए बाजवाओं के घर से चली जाएगी, चली जाएगी हमेशा के लिए। डॉक्टर साहब, दीदी को जब भी कुछ याद आता है तो वो इसी तरह बेहोश हो जाती हैं और चक्कर खा के गिर जाती हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर ऐसे ही होता रहा तो उन्हें कैसे सब याद आएगा? मतलब वो ठीक तो हो जाएंगी ना, उनका इलाज तो हो सकता है ना? देखिए, आपकी दीदी को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके उनकी याददाश्त वापस नहीं लाई जा सकती है। उनका दिमाग सहन नहीं कर पाएगा, खुद उनके दिमाग को ये एक्सरसाइज करनी होगी, वरना रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। तो डॉक्टर साहब, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे पहचान के एक डॉक्टर हैं जो ये इलाज बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, हिप्नोथेरेपी के स्पेशलिस्ट हैं। मतलब? देखिए, हिप्नोथेरेपी इस इलाज का एडवांस स्टेप होता है, जिसमें दिमाग के अंदर छिपी हुई यादों को उजागर किया जाता है, लेकिन ये इलाज बहुत महंगा है। उसकी फिक्र आप मत कीजिए डॉक्टर। इलाज के लिए जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा, आप बस इनकी याददाश्त वापस ला लीजिए डॉक्टर। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है प्रीत, कि मैं यानी कि राज बाजवा, तेरी बहन सिमरन, जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, उसकी याददाश्त वापस लाने में तेरी मदद करूंगा, और बदले में तू मुझे मेरे घर को और मेरे परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाएगी। डॉक्टर साहब, आप ये एडवांस लीजिए, इसके बाद आपको जितने पैसे लगेंगे आप मुझे बेझिझक कहिएगा। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरी दीदी का इलाज मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए बड़े डॉक्टर साहब के जितने भी पैसे होंगे वो मैं दूंगी, लेकिन आप इलाज चालू करवा दीजिए। जी। Excuse me. जी माँ। राज, कहाँ हो तुम लोग? माँ, हॉस्पिटल में हूँ सिमरन दीदी के साथ। क्या हुआ सिमी को? सिमरन दीदी की रिपोर्ट्स आ गई है माँ। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर्स का कहना है कि उनको हिप्नोथेरेपी करवानी पड़ेगी। जी। हिप्नोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी से इलाज करवा रहे हैं सिमी का। हिप्पोथेरेपी माँ, हिप्नोथेरेपी। हाँ तो क्या होता है उससे? हिप्नोथेरेपी, एनीवेज, इसमें इंसान को बेसुध सा करके उसका इलाज करवाते हैं और धीरे धीरे उसे वो सब याद करवाते हैं जो वो भूल चुका, कोई भी ऐसी बात जो उसके दिमाग में बैठी हो वो उसे याद आ सकती है। कोई भी बात? मुझे सिमरन पर नजर रखनी होगी, देखना पड़ेगा कि इसे क्या क्या याद आता है। जहां तक मैं जानती हूं, सिमरन को भी यही पता है कि गोली मन्नू ने चलाई थी, लेकिन अगर उसे सच पता हुआ तो? नहीं, मुझे चौंकना रहना होगा, नजर रखनी होगी, पता करना पड़ेगा कि ये सब इलाज कब से शुरू हो रहा है सिमरन का। क्या हुआ मां, तुम ठीक तो? इतनी परेशान क्यों लग रही? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बाहर जा रही हूँ।
कुछ काम याद आ गया? बहुत गर्मी है, घुटन हो रही है यहाँ पे। मैं ठीक हूँ। जरूर माँ कुछ ना कुछ तो छिपा रही है। और वो सिमरन, अरे सिमरन तो एकदम पागल हो गई है, पागल। ताई जी तो उसे घर में रखने वाली थे, मैं तो डर गया था। पता नहीं रोज कितने क्लेश होते हैं। अब तुम खुद सोचो ना, अब घर पे कोई मेहमान आ गए और उसने बदतमीजी कर दी तो ये तो अच्छा हो बाजवा लेके चले गए, जान छूटी। अब तू बता, तेरे घर पे तू किसी पागल को रखेगा? वही बोल रहा हूँ, पागल की जगह तो पागल खाने में होती है, वही तो मैं कह रहा था। ओए, तू मुझे मार क्यों रहा है? अगर मैंने तेरी जुबान से सिमरन के लिए कुछ भी उल्टा सीधा सुना ना, तो तेरी कसम, तेरी हलक से तेरी जुबान निकाल के फाड़ फेंक दूंगा, समझा? ज्यादा जोर से तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं ताई जी, कुछ भी नहीं हुआ। पर ताई जी, ये जो आपका प्लान है ना, कुछ समझ में नहीं आया। मेरा शक सही था, रोहन को लगाव है सिमी से। नहीं, अब एक बार और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। एक और बार अपनी बेटी को बाजवाओं की, मुझे सिमी को वहां से निकालना ही होगा किसी भी हालत में। सिमरन, सिमरन तुम्हें कुछ दिख रहा है? सिमरन सोचो, कुछ याद आ रहा है? सिमरन, सिमरन सोचो, एक लड़की जिसका नाम सिमरन, प्यार से लोग उसे सिमी कहते थे। सिमी, उसकी एक माँ भी थी, वो लोग गढ़वाल के रहने वाले थे। देखो सिमरन, कुछ दिखाई दे रहा है? और सोचो सिमरन, और क्या दिखाई दे रहा है? सोचो सिमरन, सिमरन सोच के बताइए कि क्या हुआ था। मन्नू, राज, अच्छे दोस्त थे। मन्नू, राज अच्छे दोस्त, अच्छे दोस्त थे। और फिर वो दोस्त, और सिमरन, वो दोनों मेरी मेरी शादी कराना चाहते थे। शादी हुई थी सिमरन? सिमरन शादी हुई थी? शादी, सोचो, हुई थी? सिमरन सोचो, शादी हुई थी? पता नहीं इस सिमरन की बच्ची क्या क्या बक रही होगी अंदर। मुझे पहले ही इसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए था कि ये यहां तक पहुंचती नहीं। ये यहाँ क्या कर रही है? पापा जी ने भेजा ये जानने के लिए कि पवनियाओं के लिए उनका बाजवा बेटा क्या क्या कर रहा है। और क्या
हाँ कौन है रमन, कौन है रमन? मन, मन, वो चूड़ियां लेके आया था मेरे लिए। चूड़ियां लाकर रमन ने क्या किया था? हम दोनों शादी करने वाले थे। मनु राज मदद कर रहे थे। वो मेरे घर में आता जाता रहता था। हाँ रमन, मत मारो। रिलैक्स रमन, प्रीत को बुलाओ जल्दी। सिमरन, सिमरन छोड़ दो, सिमरन छोड़ दो वो जगह, बाहर आ जाओ। सिमरन तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। मंदिर से बाहर आ जाओ सिमरन, मंदिर से बाहर आ जाओ। जी डॉक्टर साहब। आइए आइए, देखिए हम एक साथ इनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। आज पहले दिन के लिए इतना ही काफी है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब क्या बताया दीदी ने, कुछ याद आया उन्हें? हाँ उन्होंने जो कुछ भी बताया है वो हमने नोट डाउन कर लिया है, मेरी नर्स आपको बता देगी। एक बात और, सिमरन के सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी अतीत की बातें ताजा हैं, जिसे निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप आइए मेरे साथ, मैं आपको नोट्स दे देती हूँ और बिल का इंस्टॉलमेंट आप जमा करवा दीजिएगा। आप लोग भी बाहर जाइए, मुझे इन्हें ट्रांस से वापस बाहर लाना होगा। मार दिया रमन, नहीं मत मारो। क्या हुआ सिमरन? मार दिया रमन को। नहीं 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 नहीं, नहीं। पेड़ के पीछे। पेड़ के पीछे कौन है सिमरन? किसने मारा था रमन को? रमन को मार दिया पेड़ के पीछे, जिसने रमन को मारा। सिमरन पेड़ के पीछे कौन है? पेड़ के पीछे क्या कर, इसे कैसे रोकूं? लगता है इसने सब देखा है, ये मेरा राज खोल सकती है। सिमरन कुछ याद आ रहा है पेड़ के पीछे कौन है? सोचो सोचो कौन कौन। रिलैक्स रिलैक्स सिमरन, सिमरन रिलैक्स। मैंने बाहर जाने के लिए कहा था, आपने ग्लास गिरा दिया और अचानक से इन्हें होश में आना पड़ा। इस तरह होश में आना इनकी दिमागी हालत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जाइए आप बाहर जाइए, रिलैक्स। कीजिएगा डॉक्टर साहब, पता नहीं मेरा हाथ कैसे लग गया और ग्लास गिर गया। वैसे सिमरन की सेहत पर कुछ ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी ना? फिलहाल मैंने संभाल लिया है, लेकिन ऐसे मामले बड़े सेंसिटिव होते हैं, हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब मिस्टर राज और प्रीत आ जाएं
तो मैं ये नोट्स उन्हें दे देता हूँ और उन्हें बता दूँ कि अगर फर्स्ट सेशन में ही सिमरन को इतना कुछ याद आ गया, इसका मतलब कि उसकी याददाश्त बहुत जल्द वापस आ सकती है। आप एक काम कीजिए, आप ये पेपर मुझे दे दीजिए, मैं प्रीत को दे दूंगी। राज मेरा बेटा ही है, मैं सब कुछ ना पूरी जिम्मेदारी के साथ संभाल लूंगी। आप ये पेपर मुझे दे दीजिए, मैं सब। नहीं, मैं ये उन्हें ही दूंगा। मैं कह रही हूँ ना कि आप ये पेपर मुझे दे दीजिए, हमारी बहू है। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अब से सिमरन लगातार 5-6 घंटे सोती रहे ताकि उसका माइंड फिर से एक्टिव ना हो जाए। एक बात और, कॉफी वगैरह नहीं देनी है, बिजली और आग इन सब चीजों से दूर रखना है। बहुत कठिन इलाज है और इस कठिन इलाज में आपको अपनी बहू का ध्यान रखना होगा। आप देखते जाइए डॉक्टर साहब, इसकी याददाश्त के साथ इसका खेल मैं आज रात को ही खत्म कर दूंगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अब कैसी है सिमी दीदी? फिलहाल तो मैंने आपकी दीदी को इंजेक्शन देके सुला दिया है और बाकी सब वैसे ही जैसे कहा था। ओ, डॉक्टर साहब ने मुझे बता दिया, मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। आ, आ। हाँ मोहिनी आंटी, पर मुझे पहले डॉक्टर से बात तो कर लेने दो। जब मोहिनी जी कह रही हैं कि डॉक्टर साहब ने उन्हें सब कुछ बता दिया है, बाहर चल के बता देंगे, तो फिर इसमें डॉक्टर को परेशान करने की क्या जरूरत है? सॉरी सर। अब मैं बताती हूँ, वो उन्होंने बता दिया है। नर्स, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब ने कहा है कि सिमरन की याददाश्त आने में जरा टाइम लगेगा। डॉक्टर ने कहा है जो दवाइयां दे रहे हैं उसे देते रहना है और बाकी इलाज महंगा पड़ने वाला है। निहाल, टकरा गए। पता है, बचपन में जब इसका सर टकराता था ना, तो ये दोबारा सर से सर को टकराता था, ये बोल के कि काला कुत्ता काट लेगा। ये क्या है? ये क्या था? वैसे मम्मी जी, बात में दम है राज के, अगर कुत्ते ने सच में काट लिया तो ये तो पागल ही हो जाना है। वैसे भी हमारे घर में कुत्ते। मम्मी जी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना। प्रीत, तू जो करे ना सब सही है। मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया है, सुधर गया है, सब तेरी वजह से प्रीत, सब तेरी वजह से। अरे वाह, इतने दिनों बाद तूने ये कंगन पहना है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे खानदानी कंगन है ये। प्रीत, डॉक्टर ने क्या कहा सिमी के लिए? मम्मी जी, आज जब हम लेकर गए थे तो डॉक्टर ने ज्यादा दिमाग पर दबाव नहीं दिया, थोड़ा और वक्त लगेगा। सब ठीक हो जाना है, अब तुम दोनों एक साथ जो हो गए हो, तुम दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हो। क्यों राज? जी सही।
दिन गिन रहा हूं कि कब तू मेरी जिंदगी से दूर चली जाएगी। जाने से पहले अगर तेरी जिंदगी को पलट नहीं दिया तो मेरा नाम भी प्रीत पवनिया नहीं।